राजा भी आएगी, दूसरा कोई नहीं आएगा। वो स्वयं एक लहर है आने वाली, जो ये नया भारत बनाने के काम आएगी। और मोदी जैसा कोई अच्छा काम कर नहीं सकता है, मोदी अलावा हमको और कोई चाहिए ही नहीं। लेकिन हमको फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी जय। हमको तो सिर्फ मोदी जैसा बड़ा प्रधान चाहिए जो गुजरात को आगे ले जाए। हमारे मोदी जी हजारों साल जिए, ऐसी ही हम प्रार्थना करते हैं। केजरीवाल तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े चीटर है, वो तो एक गुंडा जैसा है, वो क्या ही देश को संभालेगा। और अयोध्या में राम मंदिर बनाया तो वही सरकार 100 साल तक राज करेगी। बड़ौदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जनसभा ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर माहौल क्या है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि इस वक्त किस तरीके से यहाँ पर माहौल बना है और लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। बड़ौदा में ये जनसभा बताने के लिए काफी है गुजरात का साहब कौन होने वाला है। ऐसे में हम ये भी जानेंगे कि क्या ये भीड़ और ये नारे वोट में बदल पाएंगे या नहीं। लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर माहौल यहाँ पर क्या है और गुजरात का साहब कौन बन सकता है। जी कितना उत्साह है मोदी को देखने के? अभी तक तो हम लोग बहुत ज़्यादा है सोचते हैं, देखेंगे। किसकी सरकार अच्छे खासे दिख रहे, कितने दिख रहे हैं यहाँ पर सीट आती? भाजपा भी आएगी, दूसरा कोई नहीं आएगा। कितनी सीटें भाजपा? पूरी सीट भाजपा भी आएगी, कोई दूसरा नहीं आ सकता गुजरात में। कितने? 151। सगुन है। ये मोदी को वडोदरा में आ रहे हैं, सभा की कोई जरूरत ही नहीं, पूरा वडोदरा पहले से ही भाजपा ही है। तो मोदी को देखने का एक्साइटमेंट तो है ना? हाँ, एक घंटे से करीबन बैठे हैं। अभी इंतजार तो एक घंटे और चलेगा, तब तक करेंगे ना? भले शाम तक 7 बजे। वडोदरा में व्यापार अच्छा चलता है हमारा, बड़ोदरा में व्यापार बहुत अच्छा चलता है। हम कहीं भी गए इतना अच्छा मजा नहीं आया व्यापार में, घर बच्चा अच्छा हो गया। अच्छा, लोगों का यही कहना है कि बड़ोदरा में भाई किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी, मोदी को यहाँ आने की जनसभा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर केवल और केवल भाजपा ही दिख रही है। आपको क्या कुछ माहौल दिख रहा है इस जनसभा के बाहर भी? यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, इस सभा के बाहर भी बहुत अच्छा माहौल है। और मोदी जैसा कोई अच्छा काम कर नहीं सकता है, मोदी अलावा हमको और कोई चाहिए ही नहीं, मोदी ही सबसे बेस्ट है इंडिया में। तो इंतजार हो रहा है, एक्साइटमेंट है, खुशी है कि मोदी जी आ रहे हैं? नहीं, बस मोदी जी आ रहे हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। और हम सभी सब विधानसभा से आए हुए हैं और हम हमारे विस्तार के जो भी धारा सभ्य उनको सबको चुटा के लाएंगे। कितनी सीटें आ सकती हैं यहाँ? पूरी 10 की 10 सीट आएगी। 182 में कितनी? वो तो 135-140 तक आएगी। 135-140। क्या कुछ माहौल देख रहे हैं? एकदम माहौल अच्छा है और सभी लोग मानते हैं कि भाई मोदी साहब चाहिए। मोदी साहब चाहिए, वो तो प्रधानमंत्री हो गए, सीएम के तौर पर किसे देखना चाहते हैं? सीएम से तो बहुत अच्छा काम करते हैं। भूपेंद्र भाई पटेल को ही देखना चाहते हैं? हैं? सीएम भूपेंद्र भाई पटेल जो हैं उन्हीं को देखना चाहते हैं? हाँ, भूपेंद्र भाई पटेल। कितनी सीटें आ सकती है 182 में से? 165। 165? हाँ, 165। पक्का? पक्का, एकदम पक्का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर उत्साह में हैं। क्या कुछ माहौल लग रहा है अब की गुजरात विधानसभा चुनाव में और मोदी का इंतजार प्रधानमंत्री का हो रहा है, कितनी खुशी? बहुत खुशी है, लेकिन हमको फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए, रेवड़ी कल्चर नहीं चाहिए। हम मेहनत करके विकास के पुरुष को हम साथ देने के लिए चाहते हैं, ओनली विकास, ओनली। वडोदरा में क्या माहौल है? 10 की सीट कितनी सीटें जीत सकती है? वैसे ओवरऑल 182 में से 125 से 127 सीट आएगी। 125 से 127 तमाम लोग यहाँ पर कह रहे हैं। हेलो दानी, आप कैसे हो? हेलो, हो गया ना? मोदी कैसे हो? मोदी हो गया ना? हेलो, किसको देखने आए हो? मोदी हो गया ना? मोदी मोदी कौन है? मोदी भाजप हो गया ना? भाजप क्या? भाजप भाजप। तो मोदी के लिए बोल दो आई लव यू मोदी। आई लव यू हो गया? आई लव यू। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या माहौल है चुनाव का? बस देखो, सब मोदी जी से इतना प्यार करते हैं और गुजरात के चुनाव के अंदर हम लोग यही चाहते हैं कि भाजपा ही आए और हर बार भाजपा आए, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, सबके लिए बहुत बढ़िया काम किया है, तो हम चाहते हैं कि भाजपा ही आए, बस यही कहना है। और आज कितने साल की है आपकी एक्यूट बेटी? ये 2.5 साल की है। सब बीजेपी में? जी 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 जी। आप भी कुछ कहेंगे? नहीं नहीं, बस मोदी को देखने खुशी तो है, उनको देखना है इस
स्पेशल यहाँ पे, पहली बार देखने आए इनको। अच्छा, पहली बार देखने आए? पहली बार देखने आए। कहाँ से आए आप लोग? यहाँ माजलपुर से ही आए। अच्छा, केवल और केवल प्रधानमंत्री? हाँ, उनको देखने आए सिर्फ। चलिए बढ़िया है। तो लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बच्चे भी हैं और परिवार जो है वो अभी से ही बताने के लिए बता रहे हैं कि सब कुछ जो है वो मोदी में ही है। क्या माहौल है चुनाव में? चुनाव का माहौल में सिर्फ भाजपा ही है, बाकी के सब पिछड़े हैं, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देते। जो फ्री के वादे कर रहे हैं? क्या जो लोग फ्री के वादे कर रहे हैं वो फ्री ये गुजरात में नहीं चलेगा। क्योंकि गुजरात में जो लोग है वो व्यापारी मानस के हैं, वो खुद कमाते हैं और दूसरों को पोसते हैं। वहाँ का ऐसा माहौल है, कोई मफत में दे और खुद का गुजारा करे, ये गुजरात में नहीं है। आप लंबे वक्त से नरेंद्र मोदी को देख रहे होंगे, जब से सीएम रहे हैं तब से लेके अभी तक देख रहे होंगे, किस तरीके के व्यक्तित्व हैं वो? वो स्वयं एक लहर है आने वाली, जो ये नया भारत बनाने के काम आएगी। मोदी जी ने हर क्षेत्र में नया बदलाव लाया है। एजुकेशन में पिछले कई सालों से एक ही ढांचा चल रहा था, मानो अंग्रेजों का ढांचा। मोदी जी आए और ये 2022 से नई शिक्षा नीति का अमल हो गया। उसका जो रिजल्ट आएगा वो देर से आएगा, मगर जब आएगा तब जब ये नई पीढ़ी है वो अपने पाँव में खुद खड़ी होएगी और भारत का डंका बजेगा, ऐसा प्लान है। दूरगामी सोच के तहत काम किया जा रहा है, तो ऐसे में ये बताइए कि 8 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो कितनी सीटें आ जाएंगी बीजेपी की? मोर देन मेरे हिसाब से गुजरात में 142 प्लस आएगी। क्या कुछ कहेंगे विधानसभा चुनावों को लेकर? प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं वडोदरा। या वी ऑल बरोडियंस आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू वेलकम अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री। कितनी सीटें देख रहे हैं फिर? मेरे हिसाब से 150 प्लस सीट्स आएंगी। बीजेपी के अलावा कुछ माहौल क्यों नहीं दिख रहा? माहौल तभी दिखता है जब एंटी इनकम्बेंसी हो, जिसका कोई अभी क्वेश्चन 27 साल में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होने का कोई क्वेश्चन नहीं है। बिकॉज आखिर क्यों समझाइए तो? इसका मेन रीज़न यही है कि जो लोगों को चाहिए विकास, सिक्योरिटी और एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें बीजेपी गवर्नमेंट 27 साल से दे रही है और हम गुजरात की पब्लिक बहुत खुश है इससे। तो देयर इज़ नो स्कोप ऑफ एंटी इनकम्बेंसी। तो क्या कुछ लग रहा है आपकी, कौन जीत रहा है? बहुत एक्साइटेड है और मोदी इज द यूनिक पर्सन इन द वर्ल्ड। मन से मोदी को देखने आए हैं, कोई लेके आया? नहीं नहीं, खुद से मन मोदी वही मोदी मोदी इज माई फेवरेट पर्सन। हाँ, कितनी सीटें आ रही फिर? वो तो 182 पे चुनाव है, कितनी आ रही? हाँ, तो टोटल उन्हीं का आएगा, पूरा उन्हीं का आने वाला है। ये आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस मोदी आएगा, मोदी ने बहुत अच्छा किया है। इतना दवा खाने के लिए 5 लाख का हमको ये कार्ड निकाल के दिया, आयुष्मान, सब अच्छा ही किया है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जय। तो मोदी हर तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो इलेक्शन का माहौल है, चुटनी का माहौल है, विधानसभा की चुटनी है और मोदी साहब ने जो इतने सालों तक जो पड़ाव दिया है, इतने सालों तक जो काम किया है वो अच्छा काम किया है। देश का भविष्य है वो हमारा पनौता पुत्र है। हम तो चाहते हैं कि ऐसा ही वड़ाप्रधान देश को मिलना चाहिए, ऐसा ही वड़ाप्रधान होना चाहिए। अभी जो चुनाव है उसमें 142 से प्लस, इससे भी ज़्यादा आएगा। वो जो मफत की लॉलीपॉप देने वाले है, जो अरविंद केजरीवाल जी जो मफत में लॉलीपॉप दे रहे हैं कि भाई हम बिजली मुफ्त में देंगे, 300 यूनिट मुफ्त में देंगे। 300 यूनिट आज तक कौन यूज़ करता है? 300 से ऊपर ही यूज़ होता है, 300 से कम कोई मतलब गुजरात की जनता फ्री में नहीं फंसने। हाँ, गुजरात की जो प्रजा है वो मुफ्त में खाने वाली नहीं है। वो गुजरात की प्रजा को मुफ्त तो नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ मोदी जैसा बड़ा प्रधान चाहिए जो गुजरात को आगे ला जाए, नहीं के केजरीवाल जैसा। केजरीवाल चाहिए नहीं गुजरात में, केजरीवाल नहीं चलेगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, पहले दिखाइए तो। आप लेके आए हैं बढ़िया से चेहरे पे लगाए हुए, सब कुछ मोदी में ही है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। खुश हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं। आपकी सरकार फिर बना रहे हैं क्या? फिर मोदी की सरकार बनेगी। कितनी सीट है?
140 प्लस जाएगी। जय हिंद जय भारत। आज मोदी जी का भव्य स्वागत हो रहा है बड़ौदा में और हम इसका स्वागत के लिए सब दोपहर से आए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं हमारे मोदी जी का। हमारा स्वागत तो ठीक, 8 तारीख को कौन जीत रहा है, कितनी सीटें आ रही हैं? 8 तारीख को तो पूछना ही नहीं चाहिए क्योंकि भाई बीजेपी ही आने, हमारा काम नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे। कितनी सीटें आ रही है? 182 हैं, कितनी आ रही है? पूरी आएगी, पूरी आएगी इसमें कोई। हाँ, और मोदी जी हमारे भगवान, मतलब हम उसको भगवान ही मानते हैं ये, और सरकार वो ही आएगी। आप युवा हैं, पहली बार नरेंद्र प्रधानमंत्री को? हाँ पहली बार। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। वोटिंग आपकी शुरू हो गई या नहीं? 2 साल से शुरू हो गई। अच्छा, तो क्या माहौल देख रहे हैं आप, कहाँ किधर क्या कुछ करने की सोच रहे हैं? सभी जगह मोदी जी ने विकास किया है और आगे भी करेंगे ही, और हम मोदी को। आप अपने हिसाब से बताओ आपको क्या अच्छा लग रहा है, किसकी तरफ? मोदी जी की तरफ ही अच्छा लग रहा है। तो युवा भी हैं और युवा भी यही कहना चाह रहे हैं। हमारे मोदी जी हजारों साल जिए, ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं भगवान के। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। माहौल पूरा यही है। बोलिए साहब, क्या आप क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव पे? कहना चाहते हैं कि गुजरात में या देश में सुख शांति समृद्धि और सलामती अगर हमें चाहिए तो ये भारतीय जनता पक्ष का शासन होना चाहिए, मोदी साहब का शासन होना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले 27 वर्ष से गुजरात में कोई कर्फ्यू नहीं है, बिल्कुल धंधा रोजगार पढ़ने वाले जो भी लोग हैं, कोई तूफान नहीं, कोई दंगा नहीं। इसलिए कितना ढेर सारा सुख है। इसलिए हिंदुस्तान में और गुजरात में भारतीय जनता पक्ष का शासन चाहिए। इसी सुख को बढ़ाने के अरविंद केजरीवाल फ्री 3,000 रुपए और पानी बिजली दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े चीटर है, वो तो एक गुंडा जैसा है, वो क्या ही देश को संभालेगा? उसका शासन तो हमने देख लिया, दिल्ली में देख लिया, पंजाब में देख लिया, और ये संस्कारी नगरी बड़ौदा में और हिंदुस्तान में, ये गुजरात में आया है, वो चलने वाला नहीं है, वो चलता ही नहीं। बुद्धिजीवियों के हृदय में वो नहीं है, वो चीटर है। ही इज वन काइंड ऑफ ग्रेट चीटर ऑफ हिंदुस्तान। बिल्कुल, आप क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी के बारे में आप पूछो तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। क्यों? बिकॉज वो निस्वार्थ भाव से जो काम कर रहे हैं सबके लिए, बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, कोई भी लेवल का आदमी हो, उनके लिए जो उनका काम बोल रहा है, उनको बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। कितना भी गालियां बोले कोई, मोदी जी मोदी है। गालियों से याद आया, कोई उनकी माँ को अपशब्द कह रहा है तो कोई औकात बताने की बात कर रहा है उनकी। बोलेंगे जो अच्छा काम करेंगे, तो बहुत सारे पक्ष ऐसे होंगे जो उनके विरोध बोलेंगे, लेकिन उनका जो काम है वो सबको दिखता है। आज गुजरात में एक मॉडल बनाया हुआ है, बहुत सारे जो आप धार्मिक स्थल देख रहे हो, यूपी हो, कहीं पे भी जो उन्होंने डेवलप किया है, वो पहले से होता तो आज ये राम राज हो जाता पूरा। अच्छा, लेकिन यही तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम और ज़्यादा सुविधा देंगे, जो गुजरात मॉडल उसी को आगे बढ़ा देंगे। हमने इनका देखा हुआ है, इनका हम लोग रह रहे हैं, इनका राज पे हमने देखा हुआ है क्या हो रहा है क्या नहीं, कितनी सुविधाएं मिल रही है, और हमने दिल्ली में भी आना जाना कभी ना कभी होता है, हमने वहाँ पे भी देखा हुआ है, तो कोई कंपैरिजन की तो कोई बात ही नहीं उठती है। ये जो मोदी जी जो कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल है उनके सामने, इम्पॉसिबल है कोई भी हो। आपका नाम? जिगर बारूट। जिगर वाली बात बोलिए, क्या कुछ कहेंगे दादा? हाँ सर, ये मोदी जी ने जो ये 370 की कलम हटाई है और अयोध्या में राम मंदिर बनाया, तो वही सरकार 100 साल तक राज करेगी। 100 साल तक? हाँ, 100 साल तक ये राज करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा? वो तो 100 साल के हो जाए। योगी जी। हाँ वो तैयारी है। भाई हमें शाह का भी तो नंबर है। नहीं नहीं, लेकिन योगी जी में जो पावर है, मोदी जी के बाद जो कोई संभाल सकता है तो वो योगी जी। यार उनके पीछे तो एक दिमाग चलता है ना, अमित शाह का, उनका नंबर नहीं आया क्या उसके लिए? कि उनको बैठे बैठे जो काम करना है, जो गाइड। अच्छा, वो काम वैसा ही करते रहेंगे प्रधानमंत्री, मतलब वो साथ में काम करेगा। लोग योगी को देख रहे हैं। हाँ, योगी जी ने भी वो काम किया है, उनका भी बहुत अच्छा काम है, योगी जी का भी, तो वो उनके बाद यूपी के उनके काम से खुश हैं आप? बिल्कुल। क्या काम पसंद आ रहा है? जो उनके जो डिसीजन है, जितने भी पहले जो क्राइम था, आज देख लो बहुत सारा, सब बुलडोजर बहुत दहाड़ता। हाँ, करना पड़ेगा ना सर, जैसे लोगों के वैसा करना पड़ेगा। सबको जवाब तो देना ही पड़ेगा, जो जिस भाषा में मान जाए। वो सीएम योगी भी कहते हैं जो जैसे मानेगा हम मनवा देंगे, तो आप लोग को पसंद आ रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, अभी हो रहा है। दादा आपको भी सीएम योगी के बारे में कुछ?
बिल्कुल, सेम योगी मोदी जी के बाद सेम योगी ही इस देश के वडा प्रधान बनना चाहिए, क्योंकि वो डिसिप्लिन मैन है और उसके जो विचार है, उसकी जो आइडिया है, वो भी हिंदुस्तान को मिलती जुलती आती है। इसलिए ये मोदी जी साहब के बाद उसको ही, वैसे तो भारतीय जनता पक्ष में ढेर सारे ऐसे पीएम के कैंडिडेट है, लेकिन अभी देश की चॉइस उसके बाद मोदी जी के बाद उसकी ही है, क्योंकि उसका शासन देख लिया बुलडोजर बाबा। इंडिया में 140 करोड़ पब्लिक है, उसको संभालने के लिए कोई मर्दी चाहिए प्रॉपरली, और वही लोग संभाल सकते हैं। गुजरात वाले कभी कहते हैं कि लाल बादशाह है, कभी कहते हैं शेर हैं, कभी कहते हैं टाइगर है मोदी हमारे। मैं तो इतना बोलूँगा, वो एक बहुत अच्छे इंसान है जो एक इंसानों को समझते हैं और पता है कि इंसानों को क्या चाहिए। मैं इंसान ही बोलूँगा। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल गया, प्रधानमंत्री का, इसलिए ज़्यादा खुश नजर आए हैं। और कुछ लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे चुनाव में, क्या कुछ माहौल लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने कहा था ना, अभी पूछा था ना कि कुछ लोग औकात की बात करते हैं, तो जो ये शब्द बोला था 2014 में पहली बार जब लोकसभा का चुनाव बड़ौदा से लड़ रहे थे, तो वही साहब खंभे पे खड़े होके पोस्टर उखाड़ रहे थे, तो उनकी वही औकात थी, तो अपनी औकात को तो जान गए। और हम तो उस वहाँ के वासी, काशी के वासी हैं, जहाँ से काशी से हैं जी, हम वही के हैं जहाँ से मोदी जी इस समय वर्तमान तो सांसद हैं आपके मोदी जी। तो काशी के बारे में बता दिए, क्या क्या विकास हो गया? अरे काशी में बहुत सारा विकास हो गया। काशी में सबसे बड़ा काशी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, आप एक बार देख के आओ धन्य हो जाओगे। और यूपी में राम मंदिर बनी गया, अभी क्या चाहिए आप? तो 24 की प्लानिंग कर ली क्या आप लोगों ने? 24 की प्लानिंग क्या, 24 के आगे की 50 साल की प्लानिंग तो मोदी साहब के, अमित शाह कह चुके हैं कि हम 50 साल के लिए आए हैं, 24 के लिए 29 के लिए ऐसे नहीं है। वो तो चलिए सरकार मोदी के लिए आप काशी कब तक स्वागत कर रही है उनका? अगले बार बिल्कुल फुल स्वागत है उनका, बम्पर रोड से जीतेंगे काशी में। अच्छा चलिए, तो काशी के लोग भी मिल गए। और साफ कहना है कि अभी तो शुरुआत है, दो ही पंचवर्षीय है, अगली बार फिर वो जीतेंगे। और कुछ लोग उनसे ही बात करते हैं, क्या कुछ माहौल लग रहा है आपके चुनाव में? नहीं बस मोदी साहब टाइम पर आ जाओ, हम दो घंटे से इंतजार कर रहे हैं। कितनी सीटें आ सकती है 182 में? सभी सीटें आ सकती है, सभी सीटें आ सकती है। 150 ज्यादा, 150 से ज्यादा। और किसी के चांस क्यों नहीं दिख रहे हैं? फ्री वादे भी बहुत से लोग कर रहे हैं। अरे वो झाड़ू वाला झाड़ू लगाने चले जाएगा, यहाँ बड़ौदा गुजरात में काम नहीं है उसका, झाड़ू वाले का काम नहीं। अभी देखो दिल्ली में क्या क्या होता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कुछ बोलता ही नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 3,000 रुपये फ्री बिजली फ्री पानी देंगे। वो कहाँ से, उसके घर में से देंगे वो लोग, कहाँ से देंगे? सोलर लगा के देवे तब अच्छा लगेगा। कि अभी मोदी साहब ने जब सोलर का प्लान करा है, तो ऐसे बिजली फ्री में मिल रही है सबको, तो वो कितना बढ़िया काम कर रहा है। तो वो पहले सोचना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री में कितना अंतर होता है, मुख्यमंत्री का क्या कार्य है। तो लोगों ने अपनी राय रखी, खुलकर बात रखी। काशी से भी लोग आए हैं और दूर दूर देश के अलग अलग हिस्सों से भी आए हैं। सबका यही कहना है कि अभी यहाँ पर बीजेपी बहुत मजबूत है और 2024 की तैयारी भी सब लोगों ने कर ली है। फिलहाल अपने सहयोगी उमाकांत, नम्रता शर्मा, मोहन मंडल के साथ मैं रोहित पांडे।